was not abusing you initially. You understand? I was making a video with my friend and I can say whatever I want. Here you go. Egoistic. Look at this guy's ego. This is how he's gonna behave. You're gonna offload me, I'll see you in Bombay. Dekho bhai, kabhi na kabhi to pahunchunga na main Bombay. Phir dekh lenge. Phir dekh lenge. Teri chaddi nahi utari na maine, to mera naam Aditya Narayan hai. Put your mobile down. Don't you do that. ये जगह है ये सवाल पूछने का. I am not a spokesperson for the rest of my family. I hate this. Never push me. सबसे जल्दी. मैम यार. सुनिए, don't act smart with me. One roof with you, like, did you all manage to bury your hatchet? Please. What has happened in the past? Why do you care? I do care because do people, because pe- care? People, care? People care. Why do you care? People want why to know. It's just people want. Shahrukh was here under one roof with you. Like, did you all manage to bury your hatchet? Please. What has happened in the past? Why do you care? I do care because do people, because care? People, people, care? People care. Why do you care? People want why to know. गुस्से से बिफरते सलमान को देखिए. जब सलमान फोटोग्राफरों और मीडिया की भीड़ को देखकर आपा खो बैठे थे. ये तस्वीर कुछ साल पहले की है जब सलमान मुंबई के प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर में आए थे. उनके आने की खबर लोगों को मिल गई थी, लिहाजा अपने चहेते स्टार की एक झलक पाने के लिए हजारों की भीड़ यहाँ जमा हो गई थी. मीडिया का भी पूरा जमावड़ा मौजूद था. सलमान की तस्वीर लेने की कोशिश में फोटोग्राफर और कैमरा पर्सन सलमान के कुछ ज्यादा ही करीब आ गए. इसी अफरा तफरी में सलमान को धक्का लग गया. फिर क्या था, सलमान का गुस्सा साथ में आसमान पर पहुंच गया और वो अपना स्टार स्टेटस भूलकर लगे हाथ पैर. अगर आप मुझसे मिलना नहीं चाहते तो मैं भी आपसे मिलना नहीं चाहता, खत्म हो गई बात. अगर आप किसी ने आपके बारे में बुरा भला बोला हा? तो आप उसको इनकरेज करेंगे हा? किसी ने आपके बाप को गाली दी, माँ को गाली दी, आप आपकी गर्लफ्रेंड ने कुछ कहा, आपको कुछ कहा, तो आप उससे ताल्लुकात रखेंगे?
नहीं रखेंगे ना, खत्म हो गई बात, मैं नहीं रख। मैं आपसे पूछूंगा आजकल आपकी गर्लफ्रेंड कौन है और आपके उसके साथ ताल्लुक क्या है? हा? नहीं पूछूंगा। तो मुझसे आके ये क्यों पूछते हैं बार बार? जिसमें मेरी जाती लाइफ है, मैं किसी को मारूं, मैं किसी के साथ सोऊं, ये मेरा पर्सनल प्रॉब्लम है, ये मेरा पर्सनल प्रॉब्लम है, ये आपका नहीं। आप क्यों लिखते हैं? आप मेरे परफॉर्मेंस के बारे में लिखिए कि मैं बुरा था, मैं अच्छा था। आप मेरी पिक्चरों के बारे में लिखिए कि घटिया पिक्चरें थी, लेकिन आप मेरी रियल लाइफ, मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में क्यों लिखते हैं?